कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्राई टेक्निकल पर। आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो है ये बल्ब रिपेयर। ये मेरे पास कुछ बल्ब आए हैं रिपेयर करने के लिए, तो उनको मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इन सब के रिपेयर करके दिखाते हैं। दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूं। दोस्तों ये मैं टेस्टर से इसको ओपन करूंगा, आप स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। इसके साथ में हम थोड़ी सी, तो देखिए आसानी से ये खुल चुका है। इसके साथ में ग्लू होती है जो इसके हिट करने पर आसानी से निकल जाती है। तो मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज, अगर आपने इस सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई के बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा स्लो डिम कर रहा है, और इसमें आप एक चीज का नोटिस कीजिएगा कि अगर इनमें से अगर कोई भी बल्ब शॉर्ट है या उनमें से एक भी ब्लैक डॉट आ रही है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो येलो वाली हमारी रेडियम क्लिप होती है वो नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक हमारी जो रेडियम क्लिप है वो ब्लैक हो चुकी है, तो शायद इसी के कारण से ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम इसे शॉर्ट करके देखेंगे, इस सीरीज में चेक करेंगे। मैंने इसे पहले से ही शॉर्ट कर रखा है ताकि ये डायरेक्ट हो जाए। देख सकते हैं आप कि ये जो हमारा बल्ब है वो थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो हमारा बल्ब जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, ये देखिए। तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। हम एक तार की मदद से इसे शॉर्ट करेंगे। आप इसे बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें शॉक लगने का भी डर रहता है। ये देखिए ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, तो आप ये बल्ब सही हो चुका है। तो आप इस तरह भी इसको चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरे बल्ब, जो दूसरा हमारा बल्ब है उसे चेक करेंगे। मैं आपको उसको भी चेक करके दिखाता हूँ। अभी हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी रिपेयरिंग करके दिखाएंगे आपको। ये जो हमारा 18 वॉट का बल्ब है इसको चेक करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी अगर ब्लैक है, किसी पे भी ब्लैक डॉट आ रही है, तो वो इसी के कारण से बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी एक ब्लैक डॉट है, अगर आपको शो हो रहा हो तो आप ये देख सकते हैं। तो हम इसे भी एक बार शॉर्ट करके देखेंगे, अगर ये शॉर्ट हो रहा है तो मतलब उसी कारण से ये ग्लो नहीं कर रहा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी जो बल्ब है ये हमारा ग्लो कर रहा है, ये देखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा, आपको इसमें शॉक भी लग सकता है। ये हमारे इसमें कि दो एलईडी जो हैं वो शॉर्ट हैं, ये देखिए दो एलईडी जो हैं वो शॉर्ट हैं, ये देखिए एक ये और एक ये। मैं आपको अब दूसरे वाली जो हमारी एक और है 9 वोल्ट की, मैं आपको उसकी चेकिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारा एक और बल्ब जो हमारा 9 वोल्ट का है, हम इसे भी चेक करेंगे। तो ये देखिए ये भी हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। तो इसमें भी आई थिंक सेम प्रॉब्लम है, तो मैं चेक करता हूँ। इसमें से सिर्फ जो एक है वही बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो मैं उसको चेक करके देखता हूँ। तो ये देखिए ये बल्ब भी जो है वो ग्लो करने लग गया, ये देखिए। मतलब कि हमारे सारे बल्ब में जो 3 बल्ब हमारे पास आए हैं सब में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको इसकी रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ, इसे शॉर्ट कैसे करते हैं वो करके दिखाता हूँ। दोस्तों हम आपको करके दिखा देते हैं, मैं पहले आपको इसको शॉर्ट करना सिखाता हूँ।
इसलिए मैंने शोल्डर आयरन लिया है। ये गर्म हो चुका है, मैं इसको पहले हीट से शोल्ड कर दूंगा। इसकी जो बल्ब है मैं उसको यहाँ से निकाल दूंगा। आप देख सकते हैं मैं हीट से कैसे निकाल रहा हूँ इसे। आप इसे बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि शोल्डर आयरन जो है वो गर्म होता है, तो वो आपके हाथ में भी लग सकता है। मैं आपको इसे निकाल के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको, इसकी बल्ब वाली प्लेट थी, मैंने हटा चुका इसको। अब हम इसको शॉर्ट कर लिए, हम शोल्डर वायर लेंगे और दोनों पॉइंट्स को शोल्डिंग कर देंगे। आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप इस काम को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें शॉक लग सकता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा है और आप बच्चे हैं, आप अपने बड़ों से ये काम करा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी शोल्डर दी है, तो मैं अब इसको जला के देखता हूँ। ये मैंने इसका कवर लगाया और देख सकते हैं आप ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम अगले बल्ब को भी ऐसे ही रिपेयर करेंगे और मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा सेकंड 9 वॉट का बल्ब, इसमें ये वाली एलईडी थी मैंने आपको दिखाया था, ये वाली जो एलईडी थी हम इसको रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट करेंगे इसको। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल ही फ्लोट ग्लो कर रही है। मैं इसको पहले पूरा बच्चे इस काम को घर पर ट्राई ना करें। अगर आपके घर पे कोई बड़ा है आपसे तो आप उससे भी ये काम करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसको बल्ब को निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने जो इसकी प्लेट थी वो रिमूव कर दिया है, अब मैं आपको इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको जैसे कि जैसे बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से बल्ब रिपेयर हो सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दोबारा ना भूलें। तो दोस्तों इसमें भी शोल्डिंग हो चुकी है, मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो बल्ब है ये ग्लो करना शुरू कर चुका है। मैं इस पर ये कैप लगा देता हूँ, ये आंखों में रोशनी इसकी लगती है, तो आप इससे थोड़ा ध्यान से। अब हम 18 वाट वाला बल्ब रिपेयर करेंगे, तो मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। ये हमारा 18 वाट वाला बल्ब, मैं आपको इसको पहले, ये देखिए ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो मैं अब इसको आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया, अब मैं इसे भी रिप्लेस करूंगा जैसे कि मैंने पिछली बल्ब में किया था, वैसे ही मैं इसको रीशोल्ड करूंगा, रिप्लेस करूंगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों हम इसको शोल्ड करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ग्लो कर रहा है बट हमको सही से शोल्ड करेंगे, शोल्डिंग हम इसकी सही से कर देंगे ताकि ये दोबारा निकले ना। ये देखिए हमने इसकी शोल्डिंग कर दी है, अब ये बिल्कुल सही है। अब हम इसको जलाएंगे और ये हमने इसको सप्लाई दी और ये देखिए बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है।
ये भी बल्ब हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। तो आपको कैसे लगी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।